बहुत समय पहले की बात है, अयोध्या में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ। उनकी तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके चार पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। रानी कौशल्या के पुत्र राम को राजा बनते देख रानी कैकेयी नाराज हो गई। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, राजन, हमने आपकी जान बचाई थी तो आपने हमें दो वचन मांगने को कहा था। आज वो वचन मांगने का समय आ गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र भरत को राजा बनाएं और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजें। राजा दशरथ काफी दुखी हुए, किंतु वो अपने वचन के कारण मजबूर थे, तो उन्होंने राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनकी धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी चल पड़े। तीनों वन में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी एक सुंदर नारी का रूप धारण कर वहां आई। वो राम जी को देखकर मोहित हो गई और उन्हें जाकर बोली, मुझे आपसे शादी करनी है। राम जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए और उनसे पूछिए कि क्या वो आपसे शादी करेंगे। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास चली गई, लेकिन शूर्पणखा का प्रस्ताव लक्ष्मण ने भी ठुकरा दिया। ये देखकर शूर्पणखा बहुत गुस्सा हुई और अपने असली रूप में आ गई। उसने सीता जी को मारना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास गई। रावण लंका में रहता था और वो सारे राक्षसों का राजा था। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने की ठानी। उसने एक राक्षस को स्वर्ण मृग बनाकर जंगल भेजा। उस स्वर्ण मृग को देखकर राम, लक्ष्मण और सीता जी मोहित हो गए। राम और लक्ष्मण उस मृग के पीछे पीछे भागे ताकि वो उसे पकड़कर सीता जी को दे सके। इतने में रावण अपना रूप बदलकर साधु बनकर सीता जी के पास आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि सीता जी घर पर नहीं है, तो दोनों उन्हें खोजने लगे। खोजते खोजते उन्हें एक घायल पक्षी मिला जिसका नाम जटायु था। जटायु ने राम जी को बताया कि रावण सीता जी को अगवा करके ले गया है। उसने रावण को रोकने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसके पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें वानरों और भालुओं की सेना मिली और उनके साथ रावण से युद्ध करने चल पड़ी। इस सेना में एक वानर थे हनुमान। वो काफी शक्तिशाली थे और उड़ भी सकते थे। वो पहाड़ों को अपने हाथ में उठा लेते थे। हनुमान उड़कर समुंदर के उस पार गए और देखा कि रावण ने सीता जी को कैद करके रखा है। ये बात जानकर राम जी ने अपनी सेना के साथ समुद्र पर पुल बनाना शुरू किया और लंका पहुंच गए। लंका में उनका रावण और उसकी राक्षस सेना के साथ घनघोर युद्ध हुआ। आखिर में राम जी और उनकी सेना ने सारे राक्षसों को मार भगाया। रावण का भी हो गया। और राम जी युद्ध जीत गए।
जीतने के बाद राम जी और सेना सीता जी को लेकर वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा कर जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या आए तो पूरे अयोध्या में खुशियां छा गई। सारी प्रजा ने अयोध्या को दियों और फूलों से सजाया और भगवान राम का स्वागत किया। रावण पे राम की जीत का भी उत्सव मनाया गया। तब से हम हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन भलाई की बुराई पर जीत का त्योहार दिवाली मनाते हैं। हैप्पी दिवाली।